दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DK क्लासेस ब्रोथ पर, और मैं दिनेश कुमार फिर से आ गया एक नवी वीडियो के साथ में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, हम डेली एक प्रैक्टिस सेट निकाल रहे हैं जीके का, जिसमें हमारे सभी सब्जेक्ट आते हैं। इनमें से दोस्तों हमारे पेपरों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज का टेस्ट, टाइम ना खराब करते हुए देखते हैं क्या है हमारे टॉप 25 क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला सवाल, रेल बजट। दोस्तों रेल बजट के बारे में पूछ रहा है। रेल बजट क्या है? केंद्रीय बजट का एक भाग है। जो रेल बजट है वो क्या है? वो केंद्रीय बजट का भाग होता है। ये राज्य का कोई भाग नहीं होता है, ठीक है। ये राज्य से तो अलग है, लेकिन ये केंद्र से अलग नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, केंद्रीय बजट से अलग होता है, नहीं केंद्रीय बजट में आता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? डी ऑप्शन होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है इसके बारे में। जो प्रथम रेल चलाई गई थी विश्व में, वो कब चलाई गई थी? 1825 में। और कहाँ चली थी? ब्रिटेन में, ठीक है। प्रथम विश्व में प्रथम ट्रेन कब चली थी? 1825 में ब्रिटेन में। भारत में प्रथम ट्रेन कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। और ये कहाँ से कहाँ तक का चली थी? मुंबई से थाने तक का 34 किलोमीटर चली थी। भारत में रेल किसकी देन है? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। किसकी है? लाल डलहौजी ने भारत में रेल चलवाई थी। प्रथम रेल मंत्री कौन है? आसिफ अली। कौन है प्रथम रेल मंत्री? आसिफ अली। रेलवे बजट को सामान्य बजट से 1924-25 में अलग किया गया। दोस्तों पहले रेल बजट नहीं आया करता था, पहले ये सामान्य बजट ही रहता था, ठीक है। लेकिन फिर इसे 1924-25 में अलग कर दिया गया और रेल बजट आरंभ शुरू हो गया। रेल बजट के नाम से आरंभ शुरू हो गया। चलते अगले सवाल पर, देखते हैं क्या है दूसरा सवाल। ये रहा, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने और दूध की वैधता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? पास्तुरीकरण का। तीसरा क्वेश्चन क्या है, मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो किसकी है मटकी? मध्य प्रदेश की, ठीक है। आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन ये रहा, वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत क्या बन गया है? भारत एक सामान्य बाजार बन गया है। थोड़ा सा जान लेते हैं जीएसटी के बारे में। जो जीएसटी की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1 जुलाई 2017 में। और जो भारत में जीएसटी का मॉडल है वो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। जो जीएसटी का संशोधन हुआ था वो कौन सा संशोधन था? 101वां संशोधन। और संशोधन बिल कौन सा था? 122वां। यदि संशोधन पूछे तो कौन सा आएगा? 101वां। संविधान संशोधन 101वां था और संविधान बिल कौन सा था? 122वां। जीएसटी लागू करने वाला भारत कौन सा देश है? कौन से नंबर का देश है? 161वें नंबर का, ठीक है। आगे चलते हैं। जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश कौन है? फ्रांस। और कब करे था? 1954 में करा था। जीएसटी पर राष्ट्रपति ने कब साइन किए थे? 8 सितंबर 2016 में। कब किए थे? 8 सितंबर 2016 में। जो जीएसटी की दर है वो कितनी है? जीएसटी की दर 4 है। एक है 5%, एक है 12%, एक है 18% और एक है 25%, ठीक है। आगे चलते हैं। ये रहा पांचवा सवाल, अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के विजेता है कौन है? किसे मिला? अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे मिला? शशि थरूर को। किसे मिला? शशि थरूर को। इसमें थोड़ा सा और जान लेते हैं। 2020 में कुल कितने व्यक्तियों को मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार? 23 व्यक्तियों को, ठीक है। आगे देखते हैं। 24 फरवरी 2020 को दिल्ली में त्राम पत्र और 1 लाख रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो ये 23 व्यक्तियों को मिला है, इन्हें सबको क्या क्या दिया गया? एक तो ताम पत्र और एक क्या दिया गया? 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। दोस्तों यहाँ पे ये तो इसने अंग्रेजी में पूछा है, ये जो 23 व्यक्ति है ये अलग अलग भाषा में दिया गया है, वो हिंदी का भी पूछ सकता है। तो हिंदी में किसे मिला था? नंद किशोर आचार्य को, ठीक है। किसे मिला था? नंद किशोर आचार्य को। अब ये देख लो, ये जो ऑप्शन है, जो इसका ये पहला ऑप्शन है पेन्ना मधुसूदन, ये जो है इसे किस में मिला था दोस्तों? इस व्यक्ति को कहे में मिला था? संस्कृत में, ठीक है। कहे में मिला था? संस्कृत में। इसे देख लो, ये दूसरा है ईश्वर मूर जानी, इसे कहे में मिला था? सिंधी भाषा में मिला था। कहे में मिला था? सिंधी भाषा में। और जो तीसरे नंबर के है बंदी नारायणा स्वामी, इन्हें कहे में मिला था? तेलुगु भाषा में, ठीक है। तो किसी का भी पूछ सकता है वो इसमें। तो हमने इसमें अंग्रेजी का याद किया, इंग्लिश का याद किया, हिंदी का याद किया और तीन ये भी याद हो गए, ठीक है। तो 5 याद हो गए इसमें। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो किस में करता है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। पौधों में जल, प्रकाश, परणहरित तथा कार्बन डाई
ऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये रहा सातवां सवाल। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? मतलब 1965 में प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। और जान लेते हैं दोस्तों, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुए, वे चार युद्ध हुए हैं। कब कब हुए? 1947-48 में, 1965 में, 1971 में और 1999 में। तो ये जो 1965 है, इसमें प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। और राष्ट्रपति कौन थे उस समय? डॉक्टर एस राधे कृष्णन। जो ये हुआ था 1971 में, इसमें प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और वीवी गिरी कौन थे? राष्ट्रपति थे। और जो ये हुआ था 1999 में, इसे क्या बोलते हैं? इसे दोस्तों कारगिल युद्ध भी बोला जाता है और कारगिल दिवस भी मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, क्योंकि ये युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध 26 जुलाई 1999 में हुआ था, इसलिए इसे कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस समय जो प्रधानमंत्री थे वे कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और जो राष्ट्रपति थे वे कौन थे? K.R. नारायण। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। ये रहा आठवां सवाल। एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों से राज्य को अलग करने की वकालत करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्षवादी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये रहा नौवां सवाल। ब्रिटेन शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? तो अंग्रेजों ने भारत पर कितने वर्षों तक राज किया? 200 वर्षों तक। ठीक है, आगे चलते हैं। ये रहा दसवां सवाल। किसी सफेद कपड़े में लगा कड़ी का दाग साबुन लगाने पर लाल भूरे रंग में बदल जाता है, क्योंकि साबुन की प्रकृति होती है कैसी होती है? तो कैसी होती है साबुन की प्रकृति? क्षार की है। ठीक है, कैसी होती है? क्षार की है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं पीएच वैल्यू के बारे में। दोस्तों एक पीएच मान होता है जो कहाँ से कहाँ तक का होता है, वो 0 से लेकर 14 तक होता है। ठीक है, और यहाँ पे बीच में 7 लिखा रहता है। दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जो है ये तो होता है अम्लीय। ठीक है, ये क्या होता है? अम्लीय बोला जाता है इसे तो। और जो ये होता है 7 होता है, इसे क्या बोलते हैं? जिसका 7 पीएच मान होता है उसे क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं। जो ये 8, 9, 10, 11, 14 तक होता है, ये क्या होता है? ये होता है क्षारीय। ठीक है, ये क्या होता है? क्षारीय। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। 11वां सवाल। 2021 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? तो किसने जीता था 2021 का? किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है, किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। और ये कहाँ के है? ये सर्बिया के है। कहाँ के है? ये सर्बिया के। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं सभी के बारे में। और भी दोस्तों प्रत्येक वर्ष 4 टेनिस टूर्नामेंट होती है, और वे कौन कौन सी होती है? एक तो है ऑस्ट्रेलिया ओपन, एक है फ्रेंच ओपन, एक है विंबलडन ओपन, एक है यूएस ओपन या फिर अमेरिका ओपन। ठीक है, तो 2021 में हमारा जो ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है वो पुरुष में किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो कहाँ के है? सर्बिया के। और जो महिला है, महिला में किसने जीता है? नाओमी ओसाका ने। किसने जीता है? नाओमी ओसाका ने। और ये कहाँ की है? जापान की है। दोस्तों ये पिछले 21 टूर्नामेंट तक का अभी तक नहीं आ रही है। ठीक है, लास्ट 21 टूर्नामेंट तक ये अभी तक नहीं आ रही है। ये जो है फ्रेंच ओपन है, ये किसने जीता है दोस्तों पुरुषों में? ये 2020 का है, ये जीता है राफेल नडाल ने। ठीक है, किसने जीता है? राफेल नडाल ने। और महिला में किसने जीता है? ईगा स्वियातेक। और ये कहाँ की है? पोलैंड की है। ठीक है, आगे चलते हैं। विंबलडन ओपन किसने जीता 2020 का? दोस्तों कोविड-19 के कारण इसका आयोजन नहीं किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। जो अमेरिका या फिर यूएस ओपन है वो पुरुष में किसने जीता था? डोमेनिया थियम ने। और वो कहाँ के है? ऑस्ट्रिया के है। ठीक है, और जो नाओमी ओसाका है ये महिला में जीती है, और वे कहाँ की है? जापान की है। मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, 2020 में कोरोना के कारण फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिका यूएस ओपन मिश्रित युगल का स्पर्धा नहीं की गई थी। ठीक है, तीनों के तीनों में। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है अगला सवाल है। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो सबसे गहरी झील कौन सी है?
बैकाल झील, ठीक है आगे देखते हैं, ऐसे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये रहा विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर झील। कौन सी है, कैस्पियन सागर झील। विश्व की ताजे पानी की या फिर मीठे पानी की झील कौन सी है सबसे बड़ी, सुपीरिया झील, और ये कहाँ पड़ती है, अमेरिका में। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वुलर झील, और ये कहाँ पड़ती है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, और ये मीठे पानी की है दोस्तों। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। 13वां क्वेश्चन ये रहा, चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था, कहाँ शुरू हुआ था दोस्तों, ये हुआ था उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में। थोड़ा सा चिपको आंदोलन के बारे में जान लेते हैं, चलो देखते हैं। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है, यह भारत के उत्तराखंड राज्य तब उत्तर प्रदेश का भाग था दोस्तों, जब ये आंदोलन हुआ था उस समय उत्तराखंड यूपी का हिस्सा था, ठीक है, उस समय उत्तराखंड यूपी का भाग था, में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। आगे देखते हैं, इसमें यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1970 में प्रारंभ हुआ था। चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात यह थी कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया। इस आंदोलन की शुरुआत 1970 में किसने की थी, सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी, ठीक है दोस्तों, ये पूछ लिया जाता है किसने की थी, सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी, ये कई बार पेपरों में आ भी चुका है, और ये भी है, इन्हें याद कर लेना दोस्तों, सबसे ज्यादा तो यही पूछा जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, घुमुरा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो किस राज्य से है घुमुरा, उड़ीसा से, ठीक है, किस से है, उड़ीसा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल स्थित है, कहाँ स्थित है, पालघाट में, कहाँ स्थित है, पालघाट में। जो दोस्तों पालघाट है वो हमारा नीलगिरी की पहाड़ी और इधर कौन सी, अन्नामलाई पहाड़ियों को मिलाता है, इन दोनों के बीच में है, ठीक है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में है क्या, पालघाट। आगे देखते हैं आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यांतरिक चट्टान नहीं है, कौन सी नहीं है दोस्तों, चूना पत्थर नहीं है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक निर्वाह कारक कौन सा है, कौन सा है दोस्तों, शिक्षा है, ठीक है, परिवहन भी सभी के पास होता है, इंटरनेट भी सभी के पास होता है, ठीक है, समानता तो होती है, ठीक है, जो पता चलता है गरीबी रेखा का वो पता चलता है शिक्षा से, ठीक है, जो अनपढ़ होते हैं आज के टाइम में वो गरीबी रेखा से नीचे ही माने जाते हैं। चलो चलते आगे, क्या अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, किस वर्ष हुई थी, 1935 में, ठीक है, कब हुई थी, 1935 में, और जान लेते हैं थोड़ा सा, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, और जो इसका प्रथम गवर्नर था वो कौन था, ओसबोर्न स्मिथ था, और जो वर्तमान में गवर्नर है वो कौन है, शक्तिकांत दास, और कौन से नंबर का है, 25वें नंबर का है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। 19वां क्वेश्चन क्या है, ओलंपिक 2021 कहाँ आयोजित किया जाएगा, कहाँ आयोजित किया जाएगा, जापान में, ठीक है, कहाँ होगा, जापान में, और जान लेते हैं थोड़ा सा। 1896 में यूनानियों की राजधानी एथेंस में पहला ओलंपिक की शुरुआत हुई, जो ओलंपिक का आरंभ हुआ था वो कब हुआ था, 1896 में, और कहाँ हुआ था, यूनान की राजधानी एथेंस में हुआ था। भारत ने 1920 में पहली बार आधिकारिक तौर पर ओलंपिक में भाग लिया, कब लिया था, 1920 में। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है, छिमीदार या फिर फलीदार पौधे की उपस्थिति से मिट्टी की पूर्ति करते हैं, जो ये फलीदार पौधे हैं ये किसकी उपस्थिति में मिट्टी की पूर्ति करते हैं दोस्तों, ये करते हैं राइजोबियम की, किससे करते हैं, राइजोबियम। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है, ये 21वां क्वेश्चन, आगा खान महल किस राज्य में स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों, ये महाराष्ट्र में स्थित है, कहाँ है, महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के पुणे में है ये। थोड़ा सा जान लेते हैं आगा खान महल के बारे में, देखते हैं क्या है, वर्तमान में यह प्लेस गांधी स्मारक के नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से, गांधी स्मारक के नाम से। 1892 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान तृतीय ने, किसने, सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान तृतीय ने इसे बनवाया था। इस महल में महात्मा गांधी को उनके अन्य सहयोगियों के साथ 9 अगस्त 1942 से
6 मई 1944 तक नजरबंद रखा गया था, ठीक है। यहीं से महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन की रणनीति, यहीं से रणनीति बनाते थे दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उसकी रणनीति इसी महल से मनाई जाती थी, आगा खान महल से। मतलब इस समय जो महात्मा गांधी थे वे महाराष्ट्र के आगा खान महल में थे, ठीक है दोस्तों। एक बात और बता दूं, ये जो महल है ये महात्मा गांधी के लिए अनलक्की था। क्यों था अनलक्की, चलो देख लेते हैं। महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की मृत्यु इसी महल में 22 फरवरी 1944 को हुई थी, इसलिए महात्मा गांधी इसे अनलक्की मानते थे। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये रहा 22वां क्वेश्चन हमारा। दक्षिण में चोल शासकों के प्रभाव का काल था, तो चोलों ने कब किया था दोस्तों? चोलों ने 9वीं शताब्दी ईस्वी में किया था। कब किया था? 9वीं शताब्दी में किया था दोस्तों, ये है इसका आंसर, ठीक है। और एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं चोल वंश के बारे में। जो चोल वंश का संस्थापक था वो कौन था? विजयाल्य। और ये कब गद्दी पर बैठे? 850 ईस्वी में। ये कौन सी शताब्दी है? 9वीं शताब्दी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये रहा 23वां क्वेश्चन। किसी पारिस्थिति के निर्माण में शामिल होते हैं, क्या शामिल होते हैं दोस्तों? जैविक और अजैविक घटक दोनों के दोनों ही शामिल होते हैं। क्या क्या? एक तो जैविक और एक अजैविक घटक दोनों ही शामिल होते हैं। आगे देखते हैं क्या है। ये रहा हमारा 24वां क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे? हमारे जो पहले कानून मंत्री थे वे कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों मैंने सभी स्वतंत्र भारत के सभी प्रथम मंत्रियों की वीडियो बना रखी है और उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पर दिया हुआ है, यदि आपको देखनी है तो आप ऊपर देख सकते हो आई बटन से। आगे चलते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा 25वां और अंतिम सवाल। क्या कह रहा है? किसके साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किसके शासनकाल को कहा जाता है? गुप्त के, ठीक है। गुप्त वंश के शासनकाल को ही स्वर्ण युग कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, और दोस्तों किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है इनमें से क्वेश्चन। तो यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना दोस्तों, और हमारे यूट्यूब चैनल DK क्लास ब्रोथ को सब्सक्राइब कर लेना।